हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, हमारा आगे क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या हमारा जिंदगी में करियर होगा, हमारा जॉब का क्या होगा, हम बाहर ही नहीं जा पा रहे। पर ये क्वेश्चंस, ये सारे जो संदिग्धताएं हमारे प्रॉब्लम्स है, ये तभी होगा अगर हम जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए प्लीज अपने घर पे रहिएगा। ये एक नया वायरस है जिसमें बहुत ही ज्यादा ईगो है। अगर जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये आपके घर नहीं आने वाला। सो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। विदेश से आना कोई अपराध नहीं है। 2 हफ्ते तक घर में रहिए, अपनों की जान बचाइए। अनावश्यक व गलत इस्तेमाल मास्क का ना करें। खुद को सर्दी जुकाम होने पर ही मास्क का इस्तेमाल करें। N95 मास्क का उपयोग सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए है। कृपया घर पे सुरक्षित रहें और सेफ रहें। जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा कोरोना के बीमारी से खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको बहुत सारे बीमारी पहले से ही है। तो उन लोगों को ज़रूर घर के अंदर रहना चाहिए। जो यंग जनरेशन है, उनसे हगिंग ना करे, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहना को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि हम, आप और सारे स्वस्थ रह सकें। अगर आपको साधारण खांसी या सर्दी है और आपने विदेश यात्रा नहीं किया है, या ऐसे व्यक्ति से जो विदेश यात्रा करके आया है उससे संपर्क में नहीं है, या आपको किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जांच की जरूरत नहीं है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस महामारी के समय में हम ये सब, हमें मालूम है कि दुनिया भर, विश्व भर में कितने मौतें हो रही हैं और ये हजारों की तादाद में हो रही हैं। और हम लोग, मैं ICU में होते हुए मुझे ये जानकारी है कि कई सारी मौतें ICU में भी होती हैं, ICU के बावजूद भी। तो हमें अपने ICUs पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और इस महामारी में अगर ICU पर कम दबाव हो और अगर मरीजों को बिल्कुल ठीक इलाज का कोई भी चांस है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग सब घरों में रहें और अपने हाथ की सफाई का जरूर ध्यान दें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खुद ना लें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और एंटीवायरल मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप से ना लें। सबसे अच्छी मेडिसिन आपके लिए है, आप घर में ही रहें, ये आपके लिए सबसे अच्छी दवा होगी। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसमें से कुछ को इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ता है जब उनकी हालत खराब हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप 21 दिन घर रहिए, सेफ रहिए और इंटेंसिव केयर में भर्ती होने से बचिए। कोरोना वायरस खांसी और छींक की ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स 1 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मुश्किल वक्त से हम जल्दी ही निकल पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले हफ्तों में परिवार के साथ समय बिताएं, घर के काम में हाथ बटाएं, म्यूजिक सुने, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छी नींद लें। कोरोना वायरस दिखाई नहीं देता है, पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सबको दिखाई दे रहे हैं। 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये नंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लापरवाही ना करें, घर रहें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पे ही रहें, बीमारी को बढ़ाने का कारण ना बने।